गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीबीए थर्ड सेम एम बीकॉम थर्ड ईयर जो हमारा लेसन चल रहा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसी की क्लास के अंदर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, जो सीए के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ICWA इंटर एग्ज़ाम में भी पूछा गया वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर वो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो आपको एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक कंपनी कैसे वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करती है। तो क्वेश्चन दे रखा है जिमनी इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज प्रोसेस प्रपोज्ड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एज फॉलोज। ओके, तो यहाँ पे आपकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में बता दिया कि आपका रॉ मटेरियल कितना यूज होगा। तो रॉ मटेरियल 80 रुपीज़, लेबर के बारे में 40 रुपीज़ एंड डायरेक्ट ओवरहेड्स आपके हो जाएंगे 40 रुपीज़। टोटल आपकी कॉस्ट हो जाएगी 160 रुपीज़ आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ओके, द न्यू प्रोडक्ट विल बी सोल्ड एट 200 रुपीज़। ओके, आपको सेल कितने में करना है, 200 रुपीज़ सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। फॉर द फर्स्ट ईयर सेल्स आर एस्टिमेटेड रुपीज, नंबर ऑफ यूनिट्स बनानी 1,04,000 यूनिट्स आपको प्रिपेयर करनी। द कंपनी इज गोइंग कंसर्न विद द मार्केटिंग नेटवर्क एंड इट्स थिंग्स दैट द मैक्सिमम क्रेडिट अलाउड टू बी कस्टमर्स विल बी 8 वीक्स। यहाँ पे अपने कस्टमर्स को कितना देंगे वो, तो यहाँ पे जो भी देंगे वो 8 वीक्स के बारे में एंड अदर रिलेवेंट डेटा गिवन बी लो। रॉ मटेरियल कंज्यूम होने के लिए रिक्वायर्ड होगा टाइम पीरियड अपने स्टॉक में 4 मंथ, वर्क इन प्रोग्रेस टाइम 2 वीक्स, ओके, एंड फिनिश गुड्स के बारे में आपको देगा 6 वीक, एंड क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर जो गुड्स परचेज करते हैं उसके लिए 4 वीक की, और कैश एंड बैंक बैलेंस इक्वल टू 50,000 रुपीज़ का आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय द कंपनी। यू मे बी मेक अ अजम्पशन दैट मे बी नेसेसरी, आपको जो भी अजम्पशन इस क्वेश्चन में बनाने की रिक्वायरमेंट है आपको अजम्पशन लेकर क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी अजम्पशन कौन सी होगी वो आप जनरली देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, जो आप अजम्पशन लेते हैं है ना, तो यहाँ पे आप एक अजम्पशन लेकर ही करते हैं क्वेश्चन कि कौन सी अजम्पशन आपकी मान्यता रखेंगे कि इस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए। ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपका बुक का दे रखा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करना है, वर्किंग प्रोग्रेस का टाइम पीरियड दे रखा है, ओके, एक्सपेंस आपके सारे क्लियर दे रखे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसी से पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, इसी के बाद इसका सॉल्यूशन हो जाए, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लें। ओके, तो क्या है क्वेश्चन, इसके बारे में स्टेटमेंट बनाना आपको, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करना। तो स्टेटमेंट बनाएंगे तो फाइंड आपको क्लियर चाहिए इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए, करंट एसेट्स चाहिए आपके एक, तो दूसरी चीज आपको चाहिए करंट लायबिलिटीज। ओके, दो चीजें आपको रिक्वायर रहेगी, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ओके, तो फर्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन है करंट एसेट्स की, इन्फॉर्मेशन को बनाएंगे करंट एसेट्स आपको इन्फॉर्मेशन में चाहिए। फर्स्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, आपका जो भी रॉ मटेरियल है वो स्टॉक में कितना टाइम पीरियड है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि आप पूरी यूनिट्स कितनी बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आप बना रहे हैं इन अ ईयर 104,000
1,04,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते हैं। वो क्वेश्चन किस में पूरा चल रहा है, तो फर्स्ट तीन चीजों में हो सकता है, मंथ में, डेज में या वीक में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करने होंगे। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वीक्स में क्वेश्चन चल रहा है, इट मीन्स आपको डिवाइड कर देना वीक से, तो कट कर देंगे तो 2,000 यूनिट्स आ जाएंगी और वो हो जाएंगी पर वीक, है ना। पर वीक की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही, एक मिनट में आपको कितना प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पे आपको चाहिए मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स की कॉस्ट। ओके, मटेरियल की कॉस्ट आपको दे रखी है 80 रुपीज, लेबर कॉस्ट 40 रुपीज एंड 40 रुपीज आपकी टोटल ओवरहेड्स की कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 160 प्लस आपका प्रॉफिट दे रखा है, रिमेनिंग जो बैलेंस शीट फिगर आएगा। ओके, और आपके पास में सेलिंग प्राइस दे रखी 200 रुपीज, इट मीन्स आपका 40 रुपीज आपका प्रॉफिट मार्जिन है। ओके, तो यहाँ पे अपने को मेटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपने 2000 एक वीक के बारे में 2000 यूनिट्स चाहिए और मल्टीप्लाई कर देंगे 80। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वीक्स कितना बोला गया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे फर्स्ट में बोल दिया गया 4 वीक के बारे में इंफॉर्मेशन है, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 4 वीक से 8 मीन्स कितना होगा, 16 64 सिक्स ले 40,000, सिक्स ले 40,000 आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। 6 ले एक जीरो ज्यादा हो गया, 0,000। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी 6,40,000। ओके, सेकंड जो है वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे अपनी अजम्पशंस को यूज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि हमेशा 100% मटेरियल यूज होता है। ओके, देन लेबर 50% होती है और ओवरहेड्स भी 50% यूज करते हैं। ओके, तो रॉ मटेरियल पर वीक आपका दे रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी कितनी होगी, 2000 यूनिट्स बन रही है, तो मटेरियल कितने का होगा, 80 रुपीज से मटेरियल यूज कर रहे हैं, लेबर होगा 40 रुपीज एंड और 40 रुपीज ही आपका ओवरहेड से। ओके, आपको करना है कितने टाइम पीरियड, आप प्रोसेसिंग टाइम पीरियड बता रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम पीरियड 2 वीक से, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 वीक्स। ओके, और यहाँ पे 2 वीक्स का 2 वीक्स एंड 2 वीक। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे अपना 50/100 परसेंटेज में चाहिए, तो 50% आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आप 50/ या सीधा 1/2 भी कर सकते हैं। 1/2 कैसे हो रहा है, यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए परसेंटेज की वजह से, 50% है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करें 2000 × 80 × 2, तो कितना हो जाएगा, 82 का 3,20,000 रुपीज। ओके, फर्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,20,000 रुपीज आपकी वैल्यू हो जाएगी। सेकंड जो वैल्यू कितनी होगी, तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना है, 2000 × 40 कर दें, तो टोटल वैल्यू कितना, 3,00,000, तो यहाँ पे वैल्यू कट हो जाएगी इसका, तो 80 × 4 1,80 × 1,80,000 and 80,000 rupees। ओके, तो टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा, टोटल 84,80,000 टोटल वैल्यू आप पुट कर देंगे, 4,80,000 rupees की आपकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, 4,80,000 आपकी वैल्यू हो जाएगी। कैसे वैल्यू आ रही है आपको पता होनी चाहिए, 200 मिनट्स वीक में, 40 रुपीस कॉस्ट है, 2 वीक्स है और मल्टीप्लाई कर दिया 50% या कॉस्ट अज्यूम करेंगे, सेम 2000 × 40 × 2 वीक्स मल्टीप्लाई 50% आपकी कॉस्ट इनकर्ड हुई है। ओके, तो नेक्स्ट आपको करना है फिनिश्ड गुड्स के बारे में, फिनिश्ड गुड्स। ओके, तो फिनिश्ड गुड्स के बारे में आपका क्या होता है, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स के बारे में चीजें दे रखी थी, लेबर, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ओके, तो यहाँ पे आपकी दे रखी 2000 यूनिट्स है, अब यहाँ पे देखना है कितने टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो क्वेश्चन में आपके देखेंगे टाइम पीरियड दे रखा 6 वीक, है ना, फिनिश गुड्स के दे रखा 6 वीक, मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट 40 एंड 40 एंड
मल्टीप्लाई करेंगे 6 इनटू 6 इनटू 6 ओके। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 इनटू 8 9,60,000 रुपीस ओके, 4,80,000 एंड 4,80,000 रुपीस कॉस्ट हो जाएगी ओके। तो यहां पे आपकी टोटल हो जाएगी 19,20,000 रुपीस आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 19,20,000 आपकी टोटल कॉस्ट यहां पे आप शो कर देंगे ओके। नेक्स्ट आपकी जो डेटर्स हैं, डेटर्स कलेक्शन पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। डेटर्स कलेक्शन पीरियड इक्वल टू, तो डेटर्स का कलेक्शन पीरियड कितना कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहां पे आपको डेटर्स की इंफॉर्मेशन में भी वही चीज है, रॉ मटेरियल तेल खा लेबर प्लस ओवरहेड्स, आप तीनों को ऐड कर दें टोटल जो कॉस्ट होती है तो क्या है 2000 यूनिट्स पर वीक इनटू 160 रुपीस टोटल कॉस्ट कैसी आएगी ऐसे ये मैंने शॉर्ट में कर दिया। लेबर हमारी 80 है, मटेरियल हमारा 80 है, लेबर हमारी 40 है और ओवरहेड भी 40 इक्वल टू 160 होता है। तो मैंने सीधा मल्टीप्लाई करने के लिए यूज कर लिया 160 इनटू वीक्स के बारे में, तो डेटर्स की वीक के बारे में आपको बोला है जो आपने अपने कस्टमर को वीक 8 वीक्स के बारे में अलाउ करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही बोल दिया था, लिखा था द मैक्सिमम क्रेडिट टू बी अलाउ द कस्टमर 8 वीक्स के बारे में ओके। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 160 इनटू 8 करेंगे तो टोटल जो वैल्यू हो जाएगी 2000 नंबर ऑफ यूनिट से 8 और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे अपने कितना अमाउंट है, तो जो अपने अमाउंट है वो डेटर्स को 8 वीक का आप यहाँ पे कर देंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे डेटर से 80 इंटू 40 पर यहाँ पे इन्होंने एज्यूम्शन के अंदर कुछ अलग चीज़ ली है, इट मीन्स यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 160 इंटू ये वैल्यू हो जाएगी करीब 160 इंटू मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पे करें टोटल 0 इक्वल टू 160 इंटू 32 ओके इंटू 25,60,000 आपकी क्या हो जाएगी यहाँ की वैल्यूज हो जाएगी 25,60,000 आपकी टोटल वैल्यूज हो जाएगी ओके। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन होगी क्रेडिटर्स से रिलेटेड है, और क्रेडिटर्स को आप पेमेंट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कितना रिक्वायरमेंट है, तो आपको बैंक बैलेंस आपका कितना अमाउंट हमेशा होना चाहिए कैश में कितना होना चाहिए वो आपके इन्फॉर्मेशन में आपको क्लियर कट दे रखा है। 50,000 की रिक्वायरमेंट और रहेगी तो आप एड कर देंगे 15,000 की आपकी यहाँ क्या रहेगी करंट एसेट्स वैल्यू ओके। यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यूज हो जाएगी करंट एसेट्स इक्वल टू, तो ये आपकी टोटल वैल्यूज बता रहा है ओके। देन आपको क्या करना है यहाँ से सारी टोटल करनी है, टोटल करने के बाद आपको लेस करना है जो भी आपकी क्रेडिटर्स है ओके। क्रेडिटर्स को आप लेस करेंगे क्रेडिटर्स पेमेंट ओके, तो क्रेडिटर को आप पेमेंट करेंगे 2000 यूनिट्स का पेमेंट है और कॉस्ट 80 रुपीज है और कितने वीक्स के बारे में बात हो रही, तो 2000 × 8 160,000 और वीक कितने बोला गया 4 वीक्स दे रखा है हाँ, तो यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 6,40,000 ओके। तो 6,40,000 आप लेस कर देंगे क्योंकि अदर करंट लायबिलिटीज नहीं दे रही थी, इट मींस रिमेनिंग जो वैल्यूज है आपकी क्या हो जाएगी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी ओके। तो यहाँ पे आप टोटल कर लेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, 40, 4, 80, 19, 20, 2, 0, 4 plus 8, 12, 12, 14, 20, 2, 12, 12, 21, 21, 26, 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 26
6 लाख लेस कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6,40,000, इट मीन्स आपके यहाँ पे चाहिए 49,60,000 आपका रिमेनिंग वैल्यूज आपकी क्या होगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में थोड़ा सा उन्होंने अजम्पशन लेकर किया है कि आपकी ये जो भी कॉस्ट है वो कितनी है, यूज की उन्होंने फर्स्ट अजम्पशन लिए 80% और 50-50-20% किया हुआ, और यहाँ पे इन्होंने डेटर्स को जो अमाउंट से मल्टीप्लाई किया वो 200 से किया, बट आपको प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये यूनिट नंबर भी पूरी कंप्लीट होती है। इसके कुछ क्वेश्चंस आप कोर्स से देख ले, 7 से 8-9 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। ओके, तो और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। ये यूनिट नंबर 5th का आपका लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, बाकी की आपकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।